नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। एक प्रॉब्लम मैं शेयर करता हूँ चोपड़ा साहब का। उन्होंने दिल्ली में एक घर खरीदा और चूंकि उनके पास रहने को और भी घर था तो वो उसको किराए पे लगा दिए। और ये घर जो था, जिस आदमी ने बेचा था उसका ब्रदर उसके साथ में उसके पास वाले प्लॉट पे ही अपना घर बनाए हुए था। और इन दोनों भाइयों का कोई डिस्प्यूट था आपसी, तो चोपड़ा साहब ने खरीद कर जो किराए पे दिया तो उसके भाई ने उन किराएदारों को मार के भगा दिया और कब्जा कर लिया। अब जो सवाल था कि क्या जब टीनेंट एक्सक्लूसिव पोजीशन में है और डिस्पोजेस कर दिया गया है, तो मकान मालिक सूट फाइल कर सकता है सेक्शन 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। आपको ये बताऊं, ये एक स्पेशल प्रोविज़न है पोजीशन हासिल करने का, जिसमें कोर्ट फी भी आधी लगती है और केवल ये प्रूफ करना पड़ता है कि आपको डिस्पोजेस किया गया है फोर्सिफुली, कोई लीगल प्रोसेस एडॉप्ट करके नहीं किया गया है। दूसरा सवाल ये था उनका कि क्या जो टीनेंट है उसको पार्टी बनाना ज़रूरी है। इन दो बेसिक क्वेश्चंस का जवाब मैंने उन्हें दिया। इसके पहले कि मैं आपको इससे जुड़ी हुई चीज़ें और बताऊं, आपको बताता हूं सेक्शन 6 क्या कहता है। सेक्शन 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का वो कहता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी से कोई डिस्पोजेस कर दिया गया है, मकान से, इमूवेबल प्रॉपर्टी से, तो जो और उसके कंसेंट के बगैर किया गया है, बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया गया है, तो वो पर्सन जिसको डिस्पोजेस किया गया है, जिसके कब्जे से बाहर किया गया, वो पर्सन या उसके जरिए कोई और जो उससे अपना राइट डिराइव करता है, एक सूट फाइल कर सकता है और पोजीशन के लिए सेक्शन 6 के तहत। लेकिन इसमें जो सबसेक्शन 2 है उसमें ये कहा गया कि ये सूट 6 महीने के अंदर अंदर फाइल करना होगा डिस्पोजेशन के। दूसरा कि गवर्नमेंट के खिलाफ ये सूट फाइल नहीं हो सकता। तीसरा कि इसमें जो एक प्रोविज़न है कि कोई अपील लाई नहीं करेगा इसके डिक्री से। तो इसके अपने फ़ायदे हैं, इसमें टाइटल प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो जब भी डिस्पोजेशन विदाउट लॉ के, विदाउट प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो अप किए जा किया को फॉलो किए बगैर किया जाता है, तो हम ये सूट फाइल करते हैं। अब जो दो सवाल शुरू में मैंने किए कि क्या लैंडलॉर्ड जा सकता है, तो उसके इसी सिमिलर सर्कमस्टांसेस में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस डिसाइड किया। उस केस का नाम था सदाशिव श्यामा सावंत वर्सेस अनीता अनंत सावंत। ये 2010 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसी दो क्वेश्चंस को डील किए। और इसमें ट्रायल कोर्ट ने पहले, जहां ये सूट फाइल हुआ, ट्रायल कोर्ट ने उसको डिक्री कर दी। उसने कहा कि हाँ, लैंडलॉर्ड के पास ये पावर है या वो इंटाइटल्ड है या उसके पास ये राइट है कि वो सूट सेक्शन 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में फाइल कर सकता है। हाई कोर्ट ने भी अपहेल्ड कर दिया। वो जो जिसने डिस्पोजेस किया था, जिसके खिलाफ सूट फाइल किया गया था, वो सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट में जो ये जजमेंट है, जस्टिस आर एम लोधा लिखते हैं, जबकि उस बेंच में जस्टिस सदाशिव भी थे और उन दोनों का डिवीजन बेंच था। तो जो पहले सवाल के जवाब में कि क्या लैंडलॉर्ड फाइल कर सकता है, जो 8 इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस जजमेंट में बताया गया है, वो ये कि पहला कि जो लैंडलॉर्ड है, अगर वो किराए पे देता है किसी चीज़ को, तो उसका पोजीशन किराएदार के जरिए उस प्रॉपर्टी पे होता है। एक्चुअल पोजीशन बेशक किराएदार का हो, लेकिन जो एक लैंडलॉर्ड का कंट्रोल होता है उस प्रॉपर्टी पे, उस किराएदारी पे, तो इसलिए कंस्ट्रक्टिव पोजीशन, लीगल पोजीशन किराया लैंडलॉर्ड के पास होता है। और कंस्ट्रक्टिव पोजीशन होने की वजह से जो भी राइट और जो भी लीगल रेमेडीज किराएदार को अवेलेबल है, वो लैंडलॉर्ड को भी अवेलेबल है। अगर तीसरा पॉइंट की कानूनी नज़र से, कानूनी लैंग्वेज में इसको कहें कि डिस्पोजिशन जो थर्ड पार्टी ने डिस्पोजेज किया किराएदार को, वो एक्चुअली लैंडलॉर्ड को भी डिस्पोजेस किया है। और यहाँ पे जो डिस्पोजेस्ड वर्ड यूज किया गया है सेक्शन 6(1) में,
वो केवल एक्चुअल डिस्पोजिशन और एक्चुअल पोजीशन की बात नहीं करता, वो लीगल डिस्पोजिशन और लीगल पोजीशन पोजीशन की भी बात करता है। और पांचवा पॉइंट ये कहा कि सेक्शन सिक्स में जो वर्ड यूज़ किया गया है, एनी पर्सन क्लेमिंग थ्रू हिम, मतलब जिसको डिस्पोजेस किया गया है वो, या कोई भी आदमी उसके जरिए क्लेम कर रहा है, ये दोनों इंक्लूड होते हैं, तो इसलिए लैंडलॉर्ड उस डिस्पोजेस्ड के फोल्ड में आ जाता है यहाँ पे। तो उसके बाद ये कहा गया कि जो लैंडलॉर्ड है वो सूट फाइल कर सकता है किरायेदार को बगैर पार्टी बनाए, और अपना इंडिपेंडेंट जा सकता है और उसका सूट मेंटेनेबल है। चूंकि एक बात और भी है जो साथ में आठवीं बात है कि कहीं भी सेक्शन सिक्स में ये एक्सक्लूड नहीं किया गया है, लैंडलॉर्ड को बार नहीं किया गया है, तो लैंडलॉर्ड किरायेदार के डिस्पोजेस होने पे वो सूट फाइल कर सकता है। अब जो दूसरा सवाल, जो इंसिडेंटल सवाल था कि क्या अगर लैंडलॉर्ड सूट फाइल करता है तो उसको ज़रूरी है कि वो किरायेदार को पार्टी बनाए, क्या किरायेदार नेसेसरी पार्टी है इस केस में, तो सेक्शन सिक्स की बात जहाँ तक है वो पोजीशन रिकवर करने की बात करता है, और इस प्रोविज़न में जो डिस्पोजेस हुआ है वो जा सकता है या उसके ज़रिए दूसरा जा सकता है। तो यहाँ पे दोनों में से कोई एक अगर गया है, जैसे लैंडलॉर्ड गया है, लैंडलॉर्ड सॉरी किरायेदार गया, या किरायेदार के राइट को एक्सरसाइज करने के लिए लैंडलॉर्ड गया, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि टिनेंट को पार्टी बनाया जाए। दूसरा जो कि इसमें ये कहा गया कि एक बार टीनेंट पोजीशन को लॉस कर देता है तो उसका इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाता है, वो किसी अननेसरी लिटिगेशन में नहीं पड़ना चाहेगा, तो इससे उसको पार्टी बनाकर उस केस को कॉम्प्लेक्स करना मुश्किल है। हाँ, ये लैंडलॉर्ड की जिम्मेवारी होगी डिस्पोजिशन को प्रूव करने के लिए, और पर्टिकुलरली फोर्सफुल डिस्पोजिशन को प्रूव करने के लिए टीनेंट को लाना होगा एविडेंस के रूप में, उसको विटनेस के रूप में, और उसको फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को ऐसा प्लीड करना होगा जिससे कि वो प्रूव कर सके कि ये उसको फोर्सफुली डिस्पोजेस किया गया है टीनेंट को। तो कोर्ट ने इस जजमेंट के जरिए दो बातें जो बड़ी क्लियर कर दी कि भाई लैंडलॉर्ड के पास पावर तो है, राइट है, वो अपना रेमेडीज है, वो उसको एक्सरसाइज कर सकता है सेक्शन सिक्स में, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, और कोई ज़रूरी नहीं है, कोई नेसेसरी नहीं है कि वो टीनेंट को पार्टी बनाए अपने सूट में। तो जो मैंने शुरू में अपने चोपड़ा जी की बात की थी, एक और केस मैंने किया था अपने एक क्लाइंट के लिए, उसमें क्या था कि दो भाइयों के बीच में पार्टीशन होता है, तो एक प्रॉपर्टी जो बड़े भाई के नाम थी वो छोटे भाई को दे दी जाती है, और उसके लिए वो डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट टू सेल और पावर ऑफ अटॉर्नी वगैरह एग्जीक्यूट कर देता है, और बाद में इसके एग्जीक्यूशन के बाद में 2-3 साल के बाद वो अपनी वाइफ के नाम सेल डीड एग्जीक्यूट कर देता है और उसकी बेसिस पर लोन ले लेता है। तो फिर हमने इस चीज़ को चैलेंज किया, हालांकि वो अभी केस पेंडिंग है। तो लैंडलॉर्ड जा सकता है, वहाँ भी टीनेंट को ही डिस्पोजेस किया गया था, तो हमने फाइल किया था, तो वो सूट तो मेंटेनेबल था। तो इस तरह से सेक्शन सिक्स का इस्तेमाल लैंडलॉर्ड भी कर सकता है जब उसके टीनेंट को डिस्पोजेस किया गया है। होप ये इशू क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपका कोई भी इशू है तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।